ज्ञानति ज्ञानतवीरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुमिलितं येन श्री श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगुणरघुनाथं मितं तं सजीवं सवधेत सवधूत श्री श्रीराधपगनलिताखा नितांश नमः विष्णुपदा कृष्णपृष्ठा भूतले श्रीमते भक्तिवेदातस्वामिने नमस्ते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषन्यवादी पाश्चातणे हे कृष्ण करुणासिन्धु जगतपते गोपेश गोपिकान्त कांत नमस्तुते तप्तकाञ्चनगौराङ्गि राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय जय प्रभु चैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर श्रीवासादिगौरभक्तविन्द हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे नमो विष्णु कृष्ण हरे कृष्ण तो आज से कार्तिक महीना शुरू हो चुका है आज उसका पहला दिन है हालांकि दो दिन पूर्णिमा मनाया जा रहा है लेकिन आज सवा आठ बजे तक ही पूर्णिमा है तो कार्तिक महात्मा के विषय में प्रभु जी ने हमसे कहा कि आप थोड़ा बताइएगा बोलिएगा तो प्रयास करूँगा आप सभी वैष्णव के चरणों में प्रणाम करते हुए आशीर्वाद मांगते हैं आशीर्वाद आशीर्वाद मांगता है कि आप लोग वाड़ी में ऐसी स्ट्रेंथ प्रदान करिए कि कुछ बोलने का प्रयास कर सकूँ अपने को प्योरीफाइड कर सकूँ क्योंकि प्रभुपा जी कहते हैं कि दोज हुर प्रीचिंग दे आर प्योरीफाइंग देम सेल्फ फर्स्ट जब आप प्रचार करते हो तो पहले खुद प्योर होते हो तो एक हरिभक्ति विलास जो हमारे आचार्य शिल सनातन गोस्वामी पाद जी का रचित ग्रंथ है उसमें एक श्लोक है उसका हम पुनरावर्तन करेंगे कार्तिक अहम करिष्यामि प्रातः स्नान जनार्दन प्रीति अर्थम तवा दें दामोदरम मैया तो सनातन गोस्वामी के द्वारा रचित ये श्लोक है श्री भक्ति विलास ग्रंथ से इसके पहले हम प्रस्तावना में आते हैं कि कोई भी तिथि या कोई भी पर्व जो होता है हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों होता है स्पेशली कलयुग के लिए तो नारद जी कलयुग के गुणों का वर्णन करते हैं कहते हैं कि सत्यम नास्ति तपह शौचम दया दानम उदरम जीवा वराका कूट पद्म पुराण में कहते हैं कि कलयुग में सत्य नहीं है कोई सत्य बोलता नहीं सत्यम नास्ति तपह शौचम तपस्या नहीं है थोड़ा चल लेते हैं तो मंगल आरती नहीं आ पाते क्योंकि तपस्या नहीं चार पांच घंटे चल ले तो पैर गड़बड़ तो हम तपस्या नहीं कर सकते नहीं तो सत्युग में तो अंगुलिक एक अंगूठे पर कितने हजार साल तक तपस्या होती थी तो सत्यम नाप सौम शौच पवित्रता नहीं है पवित्रता का मतलब क्या होता अपने शरीर और मन को पवित्र करना ठंड का मौसम आ गया है बाथरूम में गए तो ऐसा लगता है पैर नहीं धोए अच्छा रहेगा ब्राह्मण दीक्षित तो हो गए लेकिन संकोच लगता है ठंडी मार ठंड लग जाएगी लेकिन आचार्य गण कहते हैं कि व्यक्ति अगर भक्त है वैष्णव है तो उसे दो बार नहाना ही चाहिए और ब्राह्मण जो वैष्णव है ब्राह्मण है पुजारी करता है पूजा करता है अर्च विग्रह की सेवा करता है उसे तो तीन बार नहाना चाहिए तीन संध्या में तीन बार नहाना चाहिए लेकिन हमारे लिए ले तो एक बार भी नहाना कठिन हो जाता है जब ठंड का मौसम आता है तो कहीं शरीर में भिगो लिया थोड़ा सा कपड़े से पूछ लिया सब नहीं करते लेकिन एक बात है तो हम तपस्या नहीं कर पाते सोच नहीं हमारे अंदर पवित्रता नहीं है और रही बात मन की तो मन तो पवित्र प्रयास करते हुए भी नहीं हो पाता है क्योंकि साधना हमारा मजबूत नहीं है स्ट्रांग नहीं है सत्यम नास्ति तपह शौचम दया दया की भावना दया की भावना यह नहीं कि कोई दुखी है हम उस पर दया करें बेचारा बड़ा गरीब है लंगड़ा है लूला है शरीर से रूप है नहीं दया का भावना यह कि वो भगवान से जुड़ क्यों नहीं रहा है हम अगर किसी अभक्त को देखते हैं सिगरेट पी रहा है या कुछ भच्छे खा रहा है तो हम अपने को श्रेष्ठ दिखाते हैं देखो मैं तो वैष्णव हूं मैं तो ऐसा नहीं हूं कितने बेकार लोग है लोग हैं ये कितने खराब लोग हैं देखो क्या पाप कर रहे हैं क्या कलयुग आ गया हम अपना दोष नहीं देखते लेकिन उस थोड़ी सी हमें आचार्य लोगों की कृपा मिल गई गुरु की कृपा मिल गई प्रभुपाद जी की कृपा मिल गई वैष्णव परंपरा से जुड़ गए तो हम पर दोष देखने लगते हैं लेकिन हमारे आचार्य अब महाराज जी का नाम तो मुझे स्मरण नहीं आ रहा है एक स्टोरी था कि कहीं पर भक्त लोग प्रचार करने गए थे तो वापस आए तो महाराज जी से कहा कि महाराज आउटसाइड पीपल दे आर वेरी सिनफुल दे आर कमिटिंग सो मेनी सिनफुल एक्टिविटीज सो प्रचार करना बड़ा दुर्लभ है वो लोग दे आर नॉट गुड पीपल तो महाराज ने कहा कि देखिए दोष उनमें नहीं है उनका कोई दोष नहीं है दोष हमारे में है क्योंकि हम अच्छी तरह से अपने आप को अपने सनातन धर्म को उनके सामने प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं ताकि वो उसे स्वीकार कर सकें तो दोष हमारे में है दोष उन लोगों में नहीं है बच्चा अगर अज्ञानी है छोटा बच्चा है अगर वो कुछ कार्य करता है तो हम कहते हैं बच्चा है अज्ञानी है ज्ञान नहीं है ऐसे ही संसार के लोग अगर भक्ति से नहीं जुड़े हैं गुरु से नहीं जुड़े हैं ग्रंथ से नहीं जुड़े हैं तो अज्ञान है अज्ञानी है वो उनको ज्ञान नहीं है कल हम लोग गए परिक्रमा में तो प्रत्यक्ष उदाहरण है रात को राधा कुंड पर हम लोग बैठे तो बहुत सारे लोग उसमें हाथ धो रहे हैं पैर धो रहे हैं जबकि ऐसा नियम है कि जब रात्रि हो तो आप किसी भी तीर्थस्थल में उसको टच न करिए डिस्टर्ब न करिए प्रणाम कर लीजिए और चले आइए या बैठ लीजिए वहाँ लेकिन उसको टच मत करिए बारह एक बजे रात को आप टच कर रहे हो किसी विशेष दिन की बात अलग है बहु, में होता है उसमें नहाना स्नान करना या संक्रांति आती है तो अलग बात है लेकिन हर दिन आप नहीं कर सकते लेकिन बहुत सारे जो झुंड के झुंड जा रहे थे सब पानी मार रहे हैं पानी पैर धो रहे हैं क्यों क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है गुरु नहीं मिले हैं तो गुरु नहीं मिले हैं ज्ञान नहीं है तो उनका दोष नहीं है तो यही यहां पर कह रहे हैं सत्यम नास्ती तप शौचम दया दानम न विद्यते। देने की कला दान का मतलब ये नहीं होता कि धन ही दान है दान का मतलब ज्ञान का भी दान होता है भक्ति का भी दान होता है कभी कभी हम कुछ कार्य करते हैं भक्ति रूपी कार्य और किसी को भक्ति का फल दे देते हैं उसे भी दान कहा जाता है और ये प्रत्यक्ष प्रमाण है एकादशी का व्रत जो है आ, कहीं कथा करने गए थे तो वहां पर एक माता जी बोली कि महाराज जी एकादशी का फल सुना है आपने ही बोला है कि फल देना चाहिए और उन्होंने दिया तो जो व्यक्ति मर नहीं रहा था उनकी जो सास थी बूढ़ी हो गई थी बहुत सौ अस्सी नब्बे साल की हो गई थी तो मर नहीं रही थी शरीर छूट नहीं रहा था कष्ट में थी और एकादशी का पारण किया दूसरे दिन ही शरीर छूट गया जब उन्होंने कहा कि मैं इस एकादशी का फल अपनी सासू माँ को देती प्रत्यक्ष आज भी कलयुग में भी ऐसा नहीं है कि सतयुग में ही होता है द्वापर में ही होता है त्रेता में ही होता है कलयुग में भी होता है। तो दान नहीं है उदरम भरिड़ो जीवा वराका कूट भाषा संसार के सभी लोग सिर्फ भोजन प्राप्त करने के लिए पेट भरने के लिए ही कार्य कर रहे हैं कहा कूट और किसी से बोल दो कि भाई आप सिर्फ काम कर रहे हो कुछ भजन भक्ति नहीं तो आपको अपनी बात सिद्ध करने के लिए कूट उनसे बड़ा प्रवक्ता कोई नहीं इतनी अच्छी बात कह देंगे कि आप निरुत्तर हो जाओगे आप उनका उत्तर नहीं दे सकते क्या भक्ति भक्ति करते हो क्या भक्ति से भोजन मिल जाएगा क्या भक्ति करने से हमारा पेट भर जाएगा भरो हमारा पेट पांच बच्चे हैं परिवार है सात लोगों को भरो फिर भक्ति करेंगे आप क्या जवाब दोगे कुछ जवाब नहीं दे पाओ तो भाषण मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या संसार में कलयुगी जो लोग हैं वह मंद बुद्धि वाले हैं और और क्या करें करे मंदाहम सु लगा रहे हैं किसी चीज में जब विशेषण लगता है तो और भी वो थोड़ा सा उसपे बल दिया जाता है तो यहां कह रहे हैं मंद ही नहीं है मंद बुद्धि ही नहीं है सुमंद मतयो अति मंद है तो मंदा है सुमंद मतयो और क्या कह रहे हैं जो सन्यासी लोग हैं उनके परिवार देखे जाते हैं वर्णन है कलयुग का और जो विरक्त है विरक्ता परिग्रह जो विरक्त कहता मैं विरक्त हूं वह परिवार के प्रपंचों में पड़ा हुआ है हमारे ऊपर भी यही है, है हम संसार में सब कुछ छोड़ देते हैं और त्याग कर लेते हैं मंदिर से जुड़ जाते हैं कभी कभी प्रचार के लिए फोन भी करते हैं ये इंसिडेंट बता रहे हैं हमने जो सुना है श्रवण किया है तो कभी कभी फोन से बात होती है रात को भी दस ग्यारह बजे किसी ने पूछा प्रभु जी आप इतनी रात को बात क्यों कर रहे हो अरे वो प्रचार कर रहे हैं ना तो माता जी का थोड़ा फोन आ गया वो कैसे प्रचार करने तो प्रभु जी नहीं बात करना अरे बहन है हम माता मानते बहन तो ये बताइए संसार में जो आपकी सहोदर बहन थी जो आपकी सगी माँ थी वो क्या बेकार थी आप यहाँ पर रिश्ता जोड़ लिये वहां रिश्ता तोड़ के यहाँ रिश्ता जोड़ लिया ये तो बंधन है वहां छोड़ा यहां पकड़ा वही चीज है तो इस इंसिडेंट का कहने का मतलब यही है कि हम कैसे भी करके इन सब बंधनों से छूटकर कर अगर परमात्मा के चिंतन में मन लगाएं तभी हमारा कल्याण होगा तो कलियुग के लोगों में यही देखा नारद जी ने और कहा कि यही सब कर रहे हैं सब लोग तो क्या करना चाहिए इसीलिए आचार्य लोगों ने ग्रंथ ने विशेष पर्व बनाया है विशेष दिन बनाया है विशेष व्रत बनाया ताकि जो कलयुगी लोग भी हैं पापी लोग भी हैं वह भी इसे स्वीकार करके नहीं चौबीसों घंटे कर रहे हैं बारहो महीने कर रहे हैं कम से कम साल भर में एक दिन कर एक तो कर सके एक महीने तो कर सके हफ्ते में पंद्रह दिन में एक बार एकादशी तो कर सके नहीं व्रत रह पाते हैं तो महीने में दो बार व्रत रह ले नहीं निर्जला रह सकते हैं तो दूध पे रह ले नहीं दूध पे रह सकते हैं तो फल पे रह ले नहीं फल पे रह सकते तो स्कॉन में आ जाए बहुत सारा चीज मिल जाएगा कुटकुट का आटा ये सब बहुत सारा ये बनाया गया इसलिए कि चलो किसी प्रकार एन केन प्रकार एन, आप भगवान से जुड़ो तो कहने का मतलब यही है कि किस प्रकार से इस कलयुग में जीवों का कल्याण हो इसीलिए आचार्य लोगों ने ग्रंथ के माध्यम से उपदेश के माध्यम से हमारे शास्त्र ने बताया है कि कोई विशेष पर्व का तो ये कार्तिक महीना जो है वही पर्व है जहां पर हम साल भर नहीं तपस्या कर पाते हैं अपने गृहस्थ जीवन में या प्रचार कार्य में लगे रहते हैं लेकिन ये एक महीना अगर हम भगवान को देते हैं भगवान दामोदर को तो जैसे यशोदा मैया ने रस्सी से दामोदर जी का उदर बांधा उदर में क्या है ब्रह्मांड है संपूर्ण ब्रह्मांड को बांध दिया तो ऐसे ही हम भी अगर इस एक महीने में भगवान की साधना करते हैं तो शायद हमारे प्रेम के बंधन से दामोदर जी बध जाए तो कह रहे हैं सनातन गोस्वामी कार्तिक अहम स्वामी बहुत सारे नियम बताए हैं और बहुत ही पढ़ेंगे आप तो बहुत जटिल तपस्या है उसमें सब कुछ हम पालन नहीं कर सकते लेकिन जो बेसिक चीज है वह तो पालन कर ही सकते हैं तो कह रहे हैं कार्तिक अहम स्वामी पहले कार्तिक के महीने में आने से पहले हम संकल्प लें पहले दिन से ही कि मैं कार्तिक का व्रत करूंगा कार्तिक का व्रत क्या है ऊर्जा व्रत ऊर्जा कैसे पड़ा राधा रानी का एक नाम है ऊर्जेश्वरी इसी से ऊर्जा का नाम हुआ क्योंकि भगवान की शक्ति है वो ऊर्जा का मतलब पावर होता है तो भगवान की जो पावर है वो तो शक्ति क्या है राधा रानी है तो इसी तरह ऊर्जेश्वरी उनका एक नाम है तो ऊर्जा व्रत कार्तिक में बहुत मुख्य जो शब्द आता है कि ऊर्जा व्रत करना है यह ऊर्जा व्रत क्या है प्रातः स्नानम जनार्दनम पहला इसका जो संकेत है नियम है कि सुबह सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त से पहले ब्रह्म मुहूर्त में नहीं ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठकर स्नान करना और जो वृंदावन में रह रहे हैं स्पेशली या उत्तर भारत में रह रहे हैं उनके लिए ब्रह्म मुहूर्त तो हो ही जाता है क्योंकि मुंबई मुंबई में और उधर दक्षिण भारत में और पश्चिम में थोड़ा लेट दिन की शुरुआत होती है लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे अभी ठंड आ गया है तो आ, अभी मैंने देखा था फोर ट्वेंटी ऐसा कुछ ब्रह्म मुहूर्त बताया था तो हम तो उठ ही जाते हैं पहले थ्री फोर्टी थ्री फोर्टी फाइव के उठ जाते हैं कुछ लोग दो बजे भी उठ जाते हैं ढाई बजे तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करना सबसे पहला कार्य होना चाहिए यह कार्तिक की बात है कभी कभी हम ऐसा भी देखते हैं कि लोग उठकर जप करते हैं जब भी दो प्रकार का होता है एक होता है अशुद्ध जब जब आप अशुद्ध हो ठीक नहीं हो शरीर अशुद्ध है आप जब कर रहे हो तो तामसिक जब कहलाता है तो तामसिक जब करोगे तो उसका वह फल नहीं प्राप्त होगा जिसकी हमें अभिलाषा है इसलिए स्नान करके पहले स्नान सबसे पहला कार्य है प्रातः स्नानम जनार्दन है जनार्दन मैं सबसे पहले सुबह सुबह स्नान करूंगा पहला कार्तिक का यह मैं प्रतिज्ञा लेता हूं वचन देता हूं प्रीति अर्थम तवा देवेश और आपके प्रेम के लिए आपको प्रसन्न करने के लिए यह जो दामोदर है दामोदर जी यह जो महीना है मैं उसमें जितने भी नियम है वह सब करूंगा क्या क्या नियम है तो कह रहे हरि जागरण रात्रि जागरण हम कार्तिक में या एकादशी को जागरण करते हैं कभी कभी तो प्रयास करना चाहिए कि इस कार्तिक के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा गिरिराज जी का यहाँ दर्शन भी हो रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा उनका दर्शन करके जप करें रात में और प्रयास करें कि कभी कभी जागरण भी हो जाए तो अच्छी बात है अब ऐसा भी नहीं है कि मंगल आरती छूट जाए रात भर जागो सुबह मंगल आरती गड़बड़ हो जाए लेकिन जागरण करने से कभी परिक्रमा कर रहे हैं तो जागरण हो ही जाएगा तो हरि जागरणम प्रातः स्नानम तुलसी सेवनम तीसरा चीज बता रहे हैं कि तुलसी का सेवन तुलसी महारानी का हमें सेवा करना चाहिए उनकी पूजा करना चाहिए दीपदान उनकी रख रखाव अच्छे से और उनके सामने दामोदरष्ट का पाठ जो होता है हम, हमें करना चाहिए तो तुलसी सेवनम तुलसी की तुलसी महारानी की सेवा हर तरह से करना कभी कभी भक्त लोग दान भी करते हैं तुलसी का इस महीने में जो भक्त होते वैष्णव होते हैं वो दान भी करते हैं कि भाई हम आप तुलसी के पौधे हम दान कर रहे। ले जाइए अपने घर में लगाइए और आप थोड़ा सा उपदेश भी कर देते हैं कि जिनको नहीं मालूम है तो वो जो है उस तरह से भी सेवा करके इस कार्तिक महीने का अपने जो फल है प्राप्त कर सकते हैं और क्या कह रहे हैं उद्यापनम तो उद्यापनम एक महीने का जो व्रत होता है जब कभी हम व्रत करते हैं तो सुने होंगे उद्यापन करना है जब कभी किसी के यहां जाइए तो कहते हैं उद्यापन करना है उद्यापन का मतलब उस व्रत को अब हम विश्राम देना है तो एक महीने का जो कार्तिक व्रत है इसमें किस चीज का उद्यापन करना है यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपका सबसे प्रिय चीज हो इंद्रियों के लिए आपकी इंद्रियों के लिए जो सबसे प्रिय चीज़ है उसका इस महीने में वर्ज्य कर दो वर्जित हो जाए कभी किसी को स्वीट पसंद होता है छोटी बेसिक चीज है कभी मीठा पसंद होता है तो ब्रह्मचारी कहते हैं प्रभु जी लोग की आ, हम मीठा त्याग दिए हैं कार्तिक में नहीं लेंगे जब सर्विंग होता है तो कहते नहीं नहीं मीठा नहीं लेंगे कार्तिक में नहीं लेंगे अच्छी बात है ये बहुत क्यों कम से कम त्यागने की भावना तो आई ना हम त्याग नहीं पाते कम से कम एक महीने तो त्यागने की भावना हो सकता है एक महीना प्रैक्टिस करते करते फिर जीवन भर हो जाए तो इस महीने में जो हमें सबसे प्रिय लगता हो स्वीट का त्याग कर देना स्वीट तो खाना ही नहीं चाहिए प्रयास करना चाहिए कि मीठा जो है इस महीने में आलस्य का घर मीठा ही है अगर हम मीठा खाते हैं तो आलस होगा ही शरीर में मंगल आरती ठीक से नहीं हो पाएंगे अगर रात को हमने मिष्ठान का प्रयोग कर लिया तो तो मिष्ठान का त्याग कर दिया और क्या त्याग कर सकते ब्रह्मचर्य का पालन मन से भी कभी भी ऐसे कुविचार न आए दूषित विचार न आए किसी के प्रति हे दृष्टि न हो किसी से वैर भाव न हो यह ब्रह्मचर्य का पालन है तो यह विचार हमारे मन में आना चाहिए कि इस महीने में कोई भी ऐसा विचार ऐसा चिंतन न हो जिससे हमारा मन दूषित हो जाए हमारे विचार दूषित हो जाए और हम पाप के भागी बन जाए हालांकि कलयुग में मन से पाप का ऐसा कुछ विस्तार से नहीं कहा कि मन से भी करते क्योंकि मन से तो करना ही पड़ेगा आप जब भी संसार में हो क्योंकि आपके तीन गुण आपको प्रभावित करेंगे आप ऐसा नहीं है कि मन को शुद्ध कर सकते मन किसका शुद्ध होगा जो निष्ठा से नियम से नाम जप है क्योंकि उसके पास समय नहीं है और नाम जप में लगा है कभी कभी ऐसा होता है हम भक्तों के जीवन में कि 24 घंटा बिजी रह गए और बाहर की दुनिया का पता ही नहीं चला इतने बिजी हो गए तो ऐसे ही नाम जप अगर हम सिंसियरिटी से करते हैं सिंसियर है नाम जप में तब हमें वह मानसिक जो अपराध होता है वह नहीं लगेगा तो मन से किया हुआ जो कुविचार है आ, ब्रह्मचर्य में आने वाली बाधाएं हैं वह हमें इस महीने में एक्चुअली तो हमेशा होना चाहिए लेकिन इस महीने में कह रहे हैं कि त्याग ही देना चाहिए इस महीने में थोड़ा भी विचार नहीं आना चाहिए जमीन पर सोना चाहिए इस महीने में स्पेशली हमें चटाई पर जमीन पर सोना चाहिए जिसके लिए कोई प्रॉब्लम है उसकी बात तो अलग है लेकिन प्रयास करना चाहिए कि हमें जमीन भूमि का स्पर्श होता हुआ हमारा शरीर जो है आ, सोना चाहिए तपस्या क्यों बनाया गया है कभी कभी होता है हमारे जीवन में कि हम भजन कर, कर, कर तो जरूरत है, है चार, नियम कर रहे हैं चार नियम का पालन कर रहे सोलह माला कर रहे हैं तो फिर ये व्रत और तपस्या क्यों व्रत और तपस्या करने से हमारे अंदर जो सिस्टम है आप एक हफ्ता व्रत रह के देखिए आपके चेहरे में चमक आ जाएगी पक्का करें एक हफ्ते आप निर्जला बिना किसी फल के प्रभु जी बता रहे थे वृंदावन चंद महाराज एक हफ्ता आप बता रहे थे या ब्र सुंदर प्रभु जी बता रहे थे कि एक हफ्ता महाराज जी नौ दिन आ, नारियल पानी से रहे व्रत रहे तो क्यों रहे क्योंकि कहीं ना कहीं अपने शरीर को प्यूरिफाई करना है तो हमारे सिस्टम को रीजेनरेट करने के लिए अच्छे से चलाने के लिए व्रत की आवश्यकता होती है और अगर सिस्टम हमारा क्लीन है नीट है अच्छा है तो साधना भी बहुत अच्छा होगा अगर हम रात्रि को भोजन नहीं लेते हैं कुछ भी नहीं लेते हैं तो सुबह मंगल आरती पर अपने आप आंख खुल जाएगी क्योंकि पेट में चूहा को तो अपने आप नींद खुल जाएगी कभी ऐसा होता है जिस दिन निर्जला रह लिए एकादशी को और ऐसा होता है कि रात को नींद नहीं आती है कभी कभी क्यों क्योंकि पेट में कुछ नहीं है अब पेट में नहीं है तो फिर वो आपसे मांगेगा तो इसलिए रात के समय वर्जित है जो पक्का साधना करने वाला व्यक्ति है जो भजन करने वाला व्यक्ति है वह रात्रि को भोजन करे ही ना कदापि ना करे सिवाय दूध के दूध पीना रात्रि में ठीक होता है लेकिन भोजन अन्न तो ग्रहण करना ही नहीं चाहिए शाम के, रात के समय सूर्या सूर्यास्त के पहले कोई भी चीज आप स्वीकार करिए लेकिन उसके बाद उसमें दूषित वृत्ति आ जाती है एनर्जी आ जाती है एनर्जी भी आती है निगेटिव एनर्जी तो कह रहे हैं कि रात्रि जागरण में अगर आपको रात भर जागना है नियम पालन करना है तो हमें यह भोजन का जो संयम है यह करना ही पड़ेगा फिर कह रहे हैं दीपदानम भगवान दामोदर को हम लोग विग्रह रखते हैं अपने अपने घरों में और मंदिर में है तो है ही ठाकुर जी तो दामोदर के सामने हम दीपदान करें दीपदान का अर्थ क्या है कभी कभी हमें हमारे मन में होता है कि भगवान को हम दीपदान करते हैं उसका अर्थ क्या है आरती लेते हैं ना आरती एक्चुअल अर्थ होता है भगवान को जो भी कष्ट हो जो भी दुख हो जो भी उनके अंदर नजर लगा हो किसी का वो मेरे ऊपर आ जाए है ना ऐसे करते हैं थोड़ा नजर न लगे तो ये आरती जो होती है आर्त आर्त से आरती बना है आर्त का मतलब होता है दुख तो भगवान आप सदैव प्रसन्न रहिए और आपके अंदर जो दुख है आपके अंदर जो कष्ट है वह मुझे लग जाए तब तो भक्त लोग सोचेंगे अरे ये तो नहीं चाहिए वैसे ही वैसे ही दुखी इतना और इससे ज्यादा दुख आ गया तो फिर गड़बड़ हो जाए और वो भी भगवान का दुख जो संसार के सारे लोगों का दुख लेके बैठे हैं कष्ट हो जाएगा तो घबरा जाएंगे लोग कि लोग क्या अरे नहीं नहीं अब आरती नहीं लूंगा कल से आरती जो होता है वो बस दूर से ही बोलूंगा जय श्री कृष्ण नहीं लूंगा तो नहीं भगवान के पास जैसे सूर्य है सूर्य का प्रकाश जैसे ही आता है उजाला हो जाता है ऐसे ही भगवान के पास कोई भी चीज अशुद्ध चीज जाता है तो ओम पवित्रम पवित्र होगा और पवित्र हो जाता है तो भगवान की जब आरती उतारते हैं तो ये होता है कि आपके अंदर जो कष्ट है दुख है वो मुझे मिल जाए लेकिन भगवान के पास तो सिर्फ आनंद है सिर्फ आनंद है क्योंकि सच्चिदानंद विग्रह तो जब हम उनकी आरती उतारे हैं तो हमें और कुछ नहीं आता न तो दुख आता है न तकलीफ आती है न उनके नजर आते उनसे हमें सिर्फ और सिर्फ आनंद का आशीर्वाद मिलता है इसलिए आरती उतारी जाती है दीपक दीपक दिखाया जाता है कि प्रभु जैसे आपकी आरती उतार कर हम आपके दुखों को लेना चाहते हैं आप सदैव प्रसन्न रहिए और दामोदर जी छोटे हैं बच्चे के रूप में बालक के रूप में बालक की नजर बहुत जल्दी लगती है लोगों की किसका नजर लग गया मेरा बच्चा रो रहा है टीका लगा देते हैं काला तो ऐसी तरह दामोदर जो छोटे रूप में है भगवान उनको प्रेम करने के लिए भक्त जो है दान करते हैं कि हे ठाकुर जी यह दान मैं आपको अर्पण कर रहा हूं आपको नजर न लगे आप सदैव ऐसे यशोदा मैया के आंगन में खेलते रहिए और हमें रिझाते रहिए हम आपकी लीलाओं का आस्वादन करते रहे इदम ते वपुरथ गोपाल बालम प्रार्थना कर रहे हैं सत्यव्रत मुनि जब व्याख्या रहे तो प्रार्थना कर रहे, तो कर रहे कि मुझे और तो स्वरूप है भगवान के द्वारकाधीश वाले स्वरूप बहुत सारे स्वरूप हैं यवन का स्वरूप है लेकिन मुझे वह स्वरूप नहीं इदम ते वपुरथ गोपाल बालम सदा में मनस्या सदैव मेरे मन में वही रमण करे कौन सा वो बालक रूप जिसे आपने यशोदा मैया के प्रेम में बधा बधे थे आप वही प्रेम वही बालक वाला स्वरूप जो है मेरे हृदय में बसे इस पर भगवान के बारे में गोस्वामी जी कहते हैं कि दमके दतिया दुति दामिनी जो किलके कलबाल विनोद करे अवधेश के बालक चार्य सदा तुलसी मन मंदिर में पिहरे घुघरार लटे मुख ऊपर कुंडल लोल को पोलने की, भगवान के घुघराले जो बाल हैं, जब दशरथ जी के आंगन में जब दौड़ रहे हैं माता यश कौशल्या कई कई बुला रही हैं और भगवान जब हंस के भाग रहे हैं बच्चा जब कोई पकड़ने की कोशिश करता है तो हंस के भागता है तो दमके दतिया दुति दामिनी जो दांत जो होता है ब्रज है अवधि भाषा है तो जो दांत है भगवान के जब वो दो ही दांत हैं बच्चे के दो ही दांत पहले निकलते हैं तो दमके दतिया जो दांत हैं उनके दो आगे के दुती दामिनी जो बिजली की तरह चमक रही हैं और सांवले रंग के हैं तो घुघरारी लटे लटके मुख ऊपर कुंडल लोलक कपोलन की भगवान के घुंघराले बाल जो उनके लट जो है उनके गाल पर छू रहे हैं और कुंडल जो है उसमें दिख रहा है तो जैसे लग रहा है बिजली चमकती है बादलों के घने बादलों के घना बादल हो और उसमें जब बिजली चमकती है ऐसे ही भगवान राम जब दशरथ जी के आंगन में दौड़ रहे हैं माता कौशल्या के कई और सुमित्रा बुला रहे हैं और नहीं आ रहे हैं तो यही जो स्वरूप है और एक स्वरूप नहीं अवधेश के बालक चार ही सदा चारों बालक राम लक्ष्मण भद्र शत्रुधन तुलसी मन मंदिर में बिहार है यह तुलसीदास यही प्रार्थना करता है कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए मुझे सिर्फ यही स्वरूप जो है भगवान का और उनके भाइयों का यही स्वरूप मेरे मन रूपी मंदिर में बिहार करे तो मुझे क्या मिलेगा धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों मिल जाएगा जीवन का जो पुरुषार्थ है वह मिल जाएगा तो हमें भी प्रार्थना करना चाहिए कि इदम ते वपुरथ गोपाल बालम इस भगवान के बाल स्वरूप का हमें ध्यान करना चाहिए सदैव स्मरण करना चाहिए सदैव उनकी लीलाओं का चिंतन करना चाहिए कि यशोदा मैया ने भगवान को कैसे बाधा होगा कभी कभी विचार करिए तो घंटों बीत जाते हैं इसी विचार में कि कैसे वो जब गोकुल में जाते हैं और महल देखते हो वहां से वो जो बांधने वाला उखल बंधन है कितना दूर है चौरासी खंभा से कितना दूर है भगवान इतनी दूर चले होंगे प्रभु जी पूछ रहे थे वृंदावन से गोवर्धन गाय चराने आते थे इतना दूर गोकुल से गोवर्धन इतना दूर? ये संशय होता है कि कैसे हो सकता है, वहां गोवर्धन गोकुल जो है 28 बाईस किलोमीटर है यहाँ से ज्यादा ही होगा बरसाना बाईस किलोमीटर है और आठ किलोमीटर उधर तो उतना दूर जो है भगवान गाय चराने आते थे और वृंदावन जब गए छठी करा में तो वहां से भी इतना दूर 21 किलोमीटर है 18 किलोमीटर है भगवान आते थे सिर्फ गाय चराने, कल्पना नहीं हो सकती ये विरोधाभास लगता है कोई दिन में कैसे इतनी दूर आता होगा हम यहाँ 21 किलोमीटर चलते हैं तो उस दिन तो कुछ होगा नहीं प्रभु जी आज तो सब परिक्रमा करके आए आप नहीं जानते थोड़ा सा गर्म पानी मिल जाता पैर थोड़ा डाल के आराम कर लेते नहीं हो पाएगा प्रभु जी कल आपसे प्रार्थना करता हूं कल आप जो मुझे सेवा दोगे करूंगा आज थोड़ा थो रोज सोने दो मुझे दिन में भी रेस्ट अपने ऊपर भी ले रहा हूं क्यों क्योंकि एक बहाना चाहिए हमको अपने शरीर को बचाने के लिए एक बहाना चाहिए लेकिन आचार्य कहते हैं शरीर को जितना तपाओगे एक भक्त हुए भरतहरि तो उन्होंने श्लोक में लिखा है कि भोगान भुक्ता वयोमेव भुक्ता हम सोचते हैं इस शरीर के द्वारा हम भोग भोगेंगे अपनी इंद्रियों को सुख देंगे लेकिन वास्तव में भोगा न भुगता वयोमेव भुक्ता हम खुद भोग हम भोग हमें खुद भुगत लेता है मोबाइल है हम सोचते हैं हजार मोबाइल आया डिस्प्ले बढ़िया है थोड़ा उस पर चल रहा है कुछ लेकिन पांच मिनट के लिए उसको उठाया था और कैसे दो घंटे बीत गए पता नहीं चलता तो किसने भोगा हमें मोबाइल को हमने भोगा या मोबाइल ने हमको भोग लिया हमारा दो घंटा खा गया तो भोगा न भोगता वयमे वो भोगता तपो न तपतम वो तपता तपस्या करने हम गए थे लेकिन तपस्या ने हमको ही तपा दिया मेहनत करेंगे प्रभु खूब कमाएंगे फिर आएंगे मंदिर और फिर प्रचार करेंगे लेकिन इतना मेहनत कर लिए कि उस शरीर को बचाने के लिए मंदिर में आए तो बोले प्रभु जी अब तो डेली हॉस्पिटल डिस्पेंसरी खुल गया है टेबल पे इसकी दवा उसकी दवा पेट की दवा इसकी दवा ये हमारे शरीर का अवगुण है देखिए ये विशेषता है कि हम तपस्या करने आए थे लेकिन ऐसे तप रहे हैं कि पेट गर्म हो गया है शरीर गर्म हो गया मन गर्म हो गया है बात बात पे क्रोध आ जाता है तो तपो न तपतम वय में वो तपता कालो तो वयो में वह जाता हम सोचते हैं कि एक दिन काल आएगा एक दिन समय आएगा एक दिन मेरा समय आएगा एक दिन मेरा समय आएगा, मेरा समय आएगा। मैं भी बहुत अच्छा भक्त बन जाऊंगा मैं भी बहुत अच्छा अमीर आदमी बन जाऊंगा लेकिन वह समय कभी आता नहीं है और काल हमें ही भेज देता है जाओ हम जिस काल का इंतजार कर रहे थे एक दिन आएगा एक दिन आएगा एक दिन मैं अच्छा भक्त बन जाऊंगा अच्छी तपस्या करूंगा आज नहीं हो पा रहा ना कल से मैं मंगल आरती करूंगा आज थोड़ा सोने दो आज सुकिन की नहीं कल से स्टार्ट करूंगा परसों से अच्छा आज भी नहीं हुआ परसों से करूंगा फिर अच्छा ठीक है अगले हफ्ते से करूंगा ये इंतजार करते 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 कितने महीने बीत गए कितने साल बीत गए वह दिन कभी नहीं आया और एक दिन काल ने बोला अब तुम जाओ और हमें ही भेज देता तो कालो न जा तो वह में हो जाता जीर्णा न जाती जो जड़ा है तृष्णा न जा तो वह में हो जाता जो तृष्णा है हमारे अंदर जो किसी चीज को प्राप्त करने की इच्छा है उसे भोगने की कामना है तृष्णा न जीड़ा वो जीडा किसी चीज की इच्छा प्रश्न हो रहा था कि इच्छा पूरी होती है तभी क्या भगवान मिलते हैं आप लोग भी इस पर डिस्कशन कर करिएगा कि क्या जीव की इच्छा मनुष्य की इच्छा पूरी होती है तभी परमात्मा की प्राप्ति होती है मोक्ष की प्राप्ति होती है भक्ति में कोई आता है यह प्रश्न है इस पर डिस्कशन होना चाहिए कि क्या जीव को इसकी जो इच्छाएं हैं वह पूरी होती हैं क्योंकि गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा कि जब तक जीव की इच्छा पूरी नहीं होती हो मेरे पास बहुत ही कठिनता से आता है तो क्या हमारे इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं कि हम भक्ति में आ चुके हैं और अगर इच्छाएं पूरी नहीं है तो क्या हमें मुक्ति नहीं मिलेगी यह प्रश्न है यहाँ पर वही संकेत दे रहे हैं कि तृष्णा ने जिड़ा वयमेव जिड़ा हमारी इच्छाएं कभी कम नहीं होती एक इच्छा था सपना देख रहे थे तो लैपटॉप मिल जाए लैपटॉप मिल जाए लैपटॉप मिल गया तो अब भारी लगता प्रभु जी पांच के जी का लैपटॉप कौन लेके जाए पॉम टॉप रहता तो अच्छा था दस हजार का पहले सपना देखते थे दस हजार की मोबाइल मिल जाए तो अच्छा है प्रभु जी वो थोड़ा एडिट करना होता है पीडीएफ डी और थोड़ा फोटोशॉप तो थोड़ा पंद्रह अठारह हजार का मोबाइल जो आता है ना उसमें स्टोरेज ज्यादा रहता वन ट्वेंटी एट जी तो थोड़ा वाला मिल जाता तो अच्छा था कहाँ तृष्णा आज से पंद्रह साल पहले दो जब मोबाइल लॉन्च हुआ था कर लो दुनिया मुठ्ठी में तो हम सपना देखते थे हमारी मुट्ठी में सिर्फ वो ग्यारह सौ नोकिया ग्यारह साल आ जाता ना तो मेरी पूरी दुनिया सुख हुई हो जाती ये अपना अनुभव है पहले ग्यारह सौ ही चला था शुरू शुरू में सबसे सस्ता मोबाइल जो था इक्कीस सौ या कुछ पैंतीस सौ में मिलता था उस समय तो बड़ा सपना आता था पिताजी से बार बार छोटे थे बार बार पिताजी हमारे पास भी मोबाइल होता तो क्या अच्छा होता रात भर दिन भर सपना देखते थे खास मोबाइल आ गया और ग्यारह सौ आया तो पूरे एरिया में जो कॉलोनी थी सब घूम घूम के मेरे पास मोबाइल आ गया मेरे पास मोबाइल आ गया तो क्या हमारी जो इच्छाएं थी मोबाइल प्राप्त करने की खत्म हो गई आईफोन सेवन आया तो खरीद लिया फिर अगले साल छह महीने में एट लॉन्च कर दिया ये पुराना लग रहा है आईफोन एट चाहिए नाइन चाहिए ट्वेल्व चाहिए तो ये इच्छाएं हमारी कभी भी समाप्त नहीं होंगी लेकिन एक चीज हो सकता डाइवर्ट होंगी हम इसे दमन नहीं कर सकते इसका डाइवर्जन कर सकते किधर भगवान की तरफ रूपा जी ने ये कहा है कि आप जो जितनी भी चीजें फैसिलिटीज हैं अगर आप कृष्ण से जोड़ देते हो तो उसको यूज करने में कोई बुराई नहीं मोबाइल है अगर मोबाइल भगवान कृष्ण की सेवा में लग गई तो अच्छी बात है लेकिन इसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है अगर मोबाइल है तो आईफोन की जरूरत नहीं है प्रभु जी भगवान की सेवा में उदाहरण देते हैं प्रभु जी अरे आप आईफोन रख प्रभु जी प्रभु की सेवा में लगा है तो इसमें बुरा क्या है आईफोन है बुरा क्या चमक करेगा ये सब बोल रहे हैं लेकिन ऐसी ही बात है युक्त तो वैराग्य तो ये जो भावना है कि नहीं नहीं अब आईफोन है भगवान की सेवा में क्योंकि हमने प्रभुपात का कोट करना है ना प्रभुपात जी ने कहा वो ऑस्ट्रेलिया में जब मर्सिडीज बेंज से गए वो रॉल्स रॉयस से गए तो रिपोर्टर ने पूछा स्वामी जी यू आर कमिंग बाय दिस सो वैल्यूएबल कार दिस इज नॉट गुड फॉर मोंग तो प्रुपा जी ने क्या उत्तर दिया था अरे कृष्ण के भक्त हैं ये टिन के चीज में आ रहे हैं हमको तो सोने के कार में आना चाहिए तो प्रभुपा जी प्रभुपा जी बोले हैं प्रभु जी तो हम तो मोबाइल यूज कर रहे हैं प्रभु की भक्ति के लिए उसमें थोड़ा सेवा है लेकिन अगर आपकी सेवा हमारी सेवा थोड़े में हो सकती है तो हमारे मन में बेकार नहीं रहेगा क्यों वैराग्य जल्दी आएगा आपका चप्पल अगर सौ रुपए का है सात सौ का आठ सौ का हजार का नहीं है आप कहीं भी जाते हो चप्पल छोड़ दोगे आपके अंदर उसका उसको जो मोह है स्नेह है, उससे लगाव है वो ज्यादा नहीं रहेगा क्यों ऐसा रुपये का है पचास रुपये का है लेकिन अगर वो हजार रुपए का है तो मंदिर भी जाते हो तो आपके अंदर वो भावना रहेगी हजार रुपए वाला चप्पल मेरा कहीं खो न जाए तो जितना ज्यादा आपके अंदर भोगने की जो क्वालिटी है अच्छी चीजें हैं जितनी अच्छी आपके पास रहेंगी उतना ही आपकी आसक्ति उसमें रहेगी यह फैक्ट है और नहीं रहेगी तो फिर आप स्वतंत्र हो आपके अंदर उसकी कोई आसक्ति नहीं है ये मोबाइल रखा है पीस है सिर्फ फोन करने के लिए आता जाता है कौन छुएगा कहीं भी रख दिया लेकिन आईफोन रखो तो बार बार ध्यान आएगा यहां बैठा हूं क्लास में उधर रूम पे रखा हूँ कोई गेट खोल के ले लिया तो क्योंकि आसक्ति क्या है उसका वैल्यू है तो हमने चीजों को जब वैल्यूएबल बना दिया और अपने कर्म को अपनी भक्ति को वैल्यूएबल नहीं बनाया यहीं पर हमारी गलती हो जाती है तो इस कार्तिक महीने में हमें प्रयास करना चाहिए कि जितनी भी हमारी आवश्यकताएं हैं कम हो सके मोबाइल का उपयोग कम हो जाए नील के बराबर हो जाए कभी सुबह 24 घंटे में एक बार आधे घंटे के लिए देख लिए तो देख लिए जो नहीं करते हैं हम अपने के लिए बोल रहे हैं कि जो नहीं करते हैं वो जो नहीं जो करते हैं वो तो बस ठीक ही है लेकिन प्रयास करें कि हो सके तो मोबाइल का उपयोग कम हो जाए शास्त्र का अध्ययन ज़्यादा हो ग्रंथ का जो सुमिरन स्मरण आचार्य लोग की जो वाणी है ज़्यादा से ज़्यादा सुनाई दे ज्यादा से ज्यादा धाम वास हो ही रहा है परिक्रमा हो प्रवचन ज्यादा से ज्यादा सुनने तब हम इस कार्तिक महीने का जो व्रत है उसका अनुपालन अच्छी तरह से कर सकेंगे अन्यथा यह जो कार्तिक महीना है वैसे ही बीत जाएगा जैसे बारह महीना बीतते हैं ग्यारह महीना तो कार्तिक महीना क्या है भगवान भी कहते हैं स्कंद पुराण में कहते हैं कि मानसा नाम कार्तिका श्रेष्ठ हो मार्क्सिस्ट बोलते हैं भगवदगीता में भी बोले हैं भगवान कि जो महीना है मैं उसमें सर्वश्रेष्ठ महीना कौन सा हूं कार्तिक और देवाना मधुसूदन देवताओं में या भगवान जो बोलते हैं तो उसमें मधुसूदन भगवान कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है तीर्थ नारायणाख्यम तीर्थों में जहां भगवान विष्णु का विग्रह है वहां जहां वहां भगवान विष्णु की लीलाएं हैं तीर्थ इस धरती पर सर्व श्रेष्ठ है उससे श्रेष्ठ कोई भी चीज नहीं है आज भी कलयुग में प्रमाणित है कि नहीं चारधाम यात्रा ही बोलते हैं लोग और कोई दूसरी बात नहीं बोलते आज भी जब कोई यात्रा की बात करता है कहीं जाने की चारधाम यात्रा किए हैं तो चारों धाम तो भगवान नारायण कृष्ण के ही हैं तो इस तरह से कार्तिक महीन, महीने का बहुत ही विशेष महत्व है इस महीने में हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए सत्य का पालन करना चाहिए तप का पालन करना चाहिए तपस्या बताएं कि तपस्या कैसा कौन सी तपस्या खड़े होकर वो ऐसे नहीं खड़े हो जाइए वही तपस्या है तपस्या का मतलब हो गया हमें अपने आचरण से जितनी भी चीज़ें हैं जितना त्याग हो सके कर सके वो तपस्या है उसके बाद साधु सेवा हमारे लिए वैष्णव के लिए साधु सेवा क्या है संसार के जितने भी लोग कृष्ण बोलते हैं वो साधु हैं और हम उनकी सेवा करें जितने भी लोग आते हैं यहाँ पर अगर हम उनकी सेवा कर पाए इस कार्तिक महीने में क्योंकि वे हमारे अतिथि अब तो हम धामवासी हो गए अब तो धामवासी ही है ना ब्रजवासी चार तरह के होते हैं पहला वह जो जिसका जन्म यहां हुआ हो जो यहाँ पैदा हुआ हो दूसरा वो जो यहाँ आकर बस गया हो और तीसरा वो जो कहीं भी रहे लेकिन उसके अंदर वृंदावन हमेशा बसता हो और चौथा वो जो यहाँ का तो है लेकिन प्रचार करने के लिए कहीं भी जा रहा है वह भी ब्रजवासी ये चार तरह के लोग ब्रजवासी होते हैं ये कभी नहीं सोचना हम ब्रज में रह रहे हैं हम तो ब्रजवासी नहीं है नहीं ये धाम का अपराध हो जाएगा ठाकुर जी सबको परमिशन नहीं देते यहां पर रहने का कभी कभी भक्त भी देखा हमने कि वृंदावन में रहे साल भर रहे छह महीना रहे प्रभु जी वो अच्छा नहीं लग रहा मैं वहीं ठीक था सब नहीं रह पाते ये राधा रानी की कृपा नहीं जब तक मिले क्या यहाँ की स्वामिनी कौन है वृंदावनेश्वरी यहाँ की स्वामी राधा रानी है बिना राधा रानी के ठाकुर जी भी परमिशन नहीं देंगे ये उनका धाम है और इस कार्तिक महीने की स्वामिनी अगर कोई कहा जाए तो राधा रानी है दामोदर जी भी नहीं है ये राधा रानी है तो इसलिए इस कार्तिक महीने में हमें प्रयास करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा साधु सेवा हो जो भी बाहर के लोग आ रहे हैं अतिथि सेवा कर ले उनको कोई फैसिलिटी में कमी ना हो ताकि वह वा वापस वृंदावन यहाँ से जब जाए तो कहे वृंदावन नहीं जाएंगे वहां पर सेवा अच्छा नहीं हुआ यह तो फिर दुख की बात होगी कोई अगर आपकी सेवा से अप्रसन्न हो गया आपके पास आया और आपने कहा ठीक है मैं सेवा करूंगा और नहीं कर पाए और वापस गया तो नहीं जाऊंगा वृंदावन उस सेवा अच्छा नहीं किया तो ये तो आपके ऊपर उंगली उठेगी आपने किसी के अंदर धाम के प्रति नफरत पैदा कर दिया तो प्रयास करना चाहिए कि साधु सेवा अच्छे से हो जो भी कृष्ण बोलता है जो भी यहाँ आता है कृष्ण क्या जो यहाँ आता है भगवान के लिए आएगा उन सब की सेवा करना उनसे भगवान के नाम का उच्चारण करवा देना कभी प्रसाद ग्रहण करवा देना कभी उनको कुछ बता देना धाम की यात्रा में महत्वपूर्ण जो तीर्थ है लीलाएं हैं लीला स्थल है उनको जाकर सेवा कर देना यह भी सेवा साधु सेवा है तो इस तरह से कार्तिक महीने में एक महीना व्रत करिए और एक चीज का त्याग जरूर करिए जो भी आपको प्रिय हो मोबाइल का हो एक महीना नहीं छूंगा दूसरे से लेकर बात करूंगा लेकिन अपना मोबाइल स्विच ऑफ एक महीने में स्थान का सेवा नहीं करूंगा कुछ भी हो जाए कोई रबड़ी बने कुछ भी बने खीर बने जो भी बने एक महीने स्थान में का सेवा नहीं होगा नहीं करूंगा एक महीने चावल नहीं खाऊंगा जिसको चावल प्रिय है एक महीने रोटी नहीं खाऊंगा जिसको रोटी प्रिय और जो फल पे रहता है तो उसको तो कोई बात ही नहीं बैष्णव लेकिन इन सब करने के बाद अभिमान न आए अरे मैं तो तुम तो खा रहा है चावल दाल सब्जी और मैं देखो फलाहारी रह रहा हूं प्रभु जी आपको नहीं पता और आप बोल रहे हो मुझे सेवा करने के लिए हा? नहीं आप, आप अपने भक्ति में जो भी कार्य करे वो पर्सनल है आपकी ड्यूटी जो दिया गया उसमें ये नहीं होना चाहिए अड़चन नहीं है प्रभु जी मैं फलाहारी हूं आप मुझे मेरा सेवा बोल रहे हो नहीं मैं नहीं कर सकता नहीं आपकी ड्यूटी करो और उसके बाद आपकी जो तपस्या है कर सकते हैं तो करिए नहीं तो ये बहाना कि मैं फलाहारी हूं तो जाके बेड रेस्ट लो तो हो सकता है ये अनुचित लगे आपकी जो ड्यूटी मिली है जो सेवा मिले उसको करते हुए अगर हम तपस्या करते हैं तो ठाकुर जी प्रसन्न होंगे लेकिन अब एकादशी है दिन भर सोए रहे आप क्या हुआ प्रभु जी आज एकादशी है और वास्तव में अपना भी अनुभव है एकादशी के दिन ज्यादा नींद आती है दिन में भी सोने का मन करता है ये अपना भी अनुभव क्यों क्योंकि मन खाली हो गया है ना एकादशी का नाम आया तो भजन नहीं करना है, माला नहीं करना है मन खाली हो गया दो चार घंटा जब किए माला किए और उसके बाद फिर वही चिंतन अब थोड़ा आराम करना चाहिए शरीर को भूखा रख दिया है बेचारा मेरा शरीर क्या कहेगा आ, उसको आराम देना है यही होता है हमारे जीवन में लेकिन जितना इस शरीर को आप रगड़ेंगे जितना इस शरीर को हम तपस्या में लगाएंगे उतना ही यह शरीर दमकेगा क्योंकि सोना तपाने से ही दमकता है और यह मनुष्य शरीर जो है वह जैसे धातुओं में सोना सर्वश्रेष्ठ है ऐसे जीवों में जो मनुष्य शरीर है वो सर्वश्रेष्ठ है और तपाने से ही तपता है भगवान ने स्वयं आचरण करके दिखाया राम वनवास में जाकर तपते नहीं तो कोई उन्हें भगवान आज कहता नहीं हम उनकी जो लीलाएं हैं बचपन में बहुत ज्यादा लीला का स्मरण नहीं होता लेकिन वनवास में उन्होंने जो लीलाएं की हैं, उसका गुड़गान है उसका गुणगान करते हैं। भगवान राम अगर तपते नहीं तो आज उनको हो सकता है ग्रंथ पढ़ के तो लोग बोलेंगे लेकिन हो सकता है उनके आचरण से कहते नहीं लेकिन आज जब उनकी लीलाएं आप पढ़िए वाल्मीकि रामायण पढ़िए अपनी लोकल लैंग्वेज की जो ग्रंथ है जो पढ़ते हैं तो आंखों से आंसू आते हैं भगवान ने क्या नहीं किया है अपनी पत्नी के लिए युद्ध तक कर लिया अपने भाई के लिए राज्य का त्याग कर दिया अपनी माता के वचन का पालन करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया अपनी मित्रता प्राव... अपनी मित्रता निभाने के लिए क्या नहीं कर दिया अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या भगवान ने नहीं किया ऐसो को उदार जगमा ही बिन सेवा जो बिना सेवा के ही द्रवे दीन पर राम सरिस को कौन कह रहा तो गोस्वामी जी कह रहे हैं अगर कोई भगवान उदार है तो बताकर दिखाओ इस संसार में राम के जैसा कोई उदार नहीं है ऐसो को उदार जगमा ही बिन सेवा जो द्रव्य दिन पर राम श्री सुको न एक बार कोई बोल दे कि राम मैं आपका हूं कुछ भी सेवा नहीं किया कोई भी भक्ति नहीं किया भगवान दौड़ कर चले जाते हैं यह भगवान की करुणा है भक्तों के जीवों के प्रति बद्ध जीवों के प्रति एक बार कोई कृष्ण बोल देता है कोई राम बोल देता है भगवान दौड़ पड़ते हैं लेकिन हम अभी भी हमारे अंदर वह भावना नहीं है कि मैं उस आर्त भाव से उस बच्चे की तरह प्रभुपा जी कहते हैं मेले में खोए हुए उस बच्चे की तरह हम बुला ही नहीं पाते लॉकडाउन है प्रसन्न हो जाते चलो मंदिर बंद है ना दर्शन नहीं करेंगे कोई बात नहीं भू जी मंदिर नहीं मंदिर बंद है दर्शन कहां करें प्रसन्नता के साथ कहते हैं लेकिन जिस दिन ये भावना आए हमारे अंदर कि भगवान का दर्शन नहीं हो रहा हरिदास ठाकुर कितने दुखी हो गए जब जगन्नाथ जी के पास नहीं जा पाते थे भजन नहीं हो पाता था महाप्रभु स्वयं भगवान आते हैं और पूछते है, क्या हुआ कहते भगवान बड़ा दुख है बोले क्या दुख है बोले मुझे शरीर का दुख नहीं है यह शरीर तो जाने वाला ही है लेकिन मुझे भगवान का दर्शन नहीं हो पा रहा मैं उठकर आपको प्रणाम नहीं कर पा रहा हूं यह मेरा कष्ट है यह मेरी तकलीफ है इससे मुझे निजात दिलाइए प्रभु हमारे अंदर भी जब भगवान के प्रति वह परिया भाव आएगा वह विरह आएगा कि मैं इतना जप कर रहा हूं इतना माला कर रहा हूं इतना भजन कर रहा हूं साधन कर रहा हूं फिर भी मेरा प्रेम डेवलप क्यों नहीं हो रहा मेरा प्रेम प्रेम क्यों बढ़ नहीं रहा है दस साल हो गए बारह साल हो गए मैं माला कर रहा हूं लेकिन अभी भी वो उत्साह नहीं आ रहा है उत्साह निश्चयात धैर्या क्यों आ नहीं रहा, रहा है वही सोलह माला किया दो सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम किया अटेंड किया वही चार नियम का पालन लेकिन फिर भी अभी ऐसा लग रहा है अभी हमारे अंदर वो उत्साह नहीं है लेकिन नौ नौ कलेवरम जिसके जीवन में हर दिन नई नई चीजें आती हैं इसीलिए पर्व त्योहार आते हैं दीपावली हुआ गोपाष्टमी हुआ गोवर्धन पूजा हुआ कार्तिक महीना हुआ जन्माष्टमी हुआ ये क्यों बीच बीच में बनाया गया है ताकि हमारे अंदर जो शिथिलता है जो हमारे गाड़ी बड़े लेटर से एकदम सेम लेबर पे 40 की स्पीड में जा रही है वह थोड़ा बढ़े वो नहीं कि वो 40 पे ही चल रहा है बस आराम से चल रहे नहीं जब तक आपके अंदर उत्साह नहीं रहेगा लहरें नहीं उठेंगी तब तक समुद्र में हलचल का पता नहीं चलेगा इसलिए हमारे जीवन में यह हमेशा होना चाहिए कि कहीं ना कहीं उत्साह रहे आज कुछ नया करते हैं ठाकुर जी के लिए आज कुछ नया ठाकुर से प्रेम का ट्रिक होता है आज आज चलो हम दामोदर जी को कुछ भागवत गीता का पचास श्लोक सुनाएंगे आज चलिए हम भगवान को अच्छे से कुछ, कुछ कुकिंग करके बता देंगे खिलाएंगे थोड़ा अर्पण करेंगे आज चलिए ठाकुर जी के लिए आज ठाकुर जी के लिए मैं गोवर्धन परिक्रमा करूंगा आज अपने लिए नहीं करूंगा आज सिर्फ और सिर्फ मैं ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए गोवर्धन परिक्रमा करूंगा यमुना स्नान करूंगा कोई प्रश्न किया कि आप किस लिए गोवर्धन परिक्रमा कर रहे हैं तो एक भक्त ने बड़ा सुंदर जवाब दिया मैं किस लिए नहीं कर रहा हूं मैं सिर्फ ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं और हम गोवर्धन परिक्रमा जा रहे हैं थोड़े मनोकामना पूरी होना चाहिए हमारे अंदर भी क्या मनोकामना है कुछ तो कामना है चाहे वह ब्रह्मचारी हो चाहे गृहस्थ हो जिसकी कामना जाहिए न चाहिए कबहू कछु जिसको कुछ नहीं चाहिए निस्वार्थ अन्य अभिलाषिता जो किसी भी चीज को न प्राप्त करना चाहे सिवाय भगवान के तब जाकर हमारी मन में हमारे जीवन में भगवान का पदार्पण होगा और यह कार्तिक महीना जो है हमारे लिए उत्सव हो जाएगा तो प्रयास हम करें हम सब मिलकर कि इस कार्तिक महीने में थोड़ा तपस्या करें थोड़ा सा त्याग करें थोड़ा सा सेवा करें और चिंतन सतत होता रहे चौबीसों घंटे भगवान का इस कार्तिक महीने में चिंतन जब होगा तो फिर हो सकता है कार्तिक महीने के बाद हम कुछ नया अपने आप को प्राप्त कर सकें मैं कुछ नया लग रहा हूँ कुछ अलग हो गया कुछ एडवांस हो गया कुछ अच्छा लग रहा है कुछ हल्का हो गया और आपके जीवन में परिवर्तन आएगा अनुभव होगा अगर आप सिंसियर हैं तो ये अनुभव पक्का आएगा जब आप साधना करते हैं हम साधना करते हैं तो हम नेक्स्ट लेवल में जाते हैं हमको अनुभव आता है हमने कुछ अच्छा किया हमारे अंदर कुछ उत्साह आ रहा है हमारे अंदर कुछ अच्छी भावना आ रहा है कभी कभी हम कहते हैं पर दोष नहीं देखना चाहिए लेकिन भक्त अगर स्वयं का गुण देखने लगे तो शायद और अच्छा देखे क्योंकि गुण देखेगा और अगर अंदर उसके गुण नहीं है तो सोचेगा कुछ दो चार गुण क्वालिटी अंदर कर लेता हूं वो डेवलप करेगा पर दोष तो दूर की बात है नहीं देखना है। लेकिन अपने अंदर गुण देखिए कि आपके अंदर गुण क्या है हमारे अंदर कहीं ऐसा कोई गुण है जिससे मैं बता मतलब लोग देख सके तो दो चार गुण तो रहना ही चाहिए दस गुण तो रहना ही चाहिए और धीरे धीरे नहीं है तो डेवलप हो जाएगा इसलिए प्रयास करिए बहुत अच्छा महीना है हम सब के लिए ठाकुर जी की सेवा के लिए चिंतन के लिए सुमिरन के लिए तपस्या के लिए और हमारे आचार्यों को प्रसन्न करने के लिए तो आज इतना ही अपनी बाड़ी को विराम देंगे इसमें कोई त्रुटि होगा कहीं उदाहरण में कोई गलती होगा तो क्षमा करिएगा श्री श्री कार्तिक मंथ की श्री राधा दामोदर भगवान की